लॉरेंस बिश्नोई का कैसे बनता है गैंग, कैसे होती है भर्ती, कैसे होती है ट्रेनिंग, कैसे की जाती है शूटर्स की पहचान, लॉरेंस जेल में है तो फिर शूटर से कौन करवाता है बात, पांच सवालों से समझिए कैसे होती है गैंग में शूटर्स की एंट्री। पहला सवाल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कौन शूटर्स शामिल होंगे, इनकी पहचान कैसे होती है। दूसरा सवाल, लॉरेंस गैंग में शामिल होने के लिए लड़कों से किस प्रकार का वादा लिया जाता है। तीसरा सवाल, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ने के पीछे शूटर्स का मकसद क्या होता है, पैसा या ताकत। चौथा सवाल, किसी नए लड़के को ग्रुप में शामिल कर उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसे करवाई जाती है। पांचवा सवाल, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई शूटर अलग होता है, अगर नहीं तो फिर क्यों। लॉरेंस बिश्नोई की ताकत गुजरात के अहमदाबाद में है, वो जेल में बंद है लेकिन नेटवर्क वहीं से काम कर रहा है। लॉरेंस की एक टीम है जो सिर्फ ये पड़ताल करती है कि 18 से 20 साल की उम्र में कौन जेल जा रहा है, किसका परिवार परेशान है या कौन ऐसा है जो बदला लेना चाहता है। जेल जाने वालों की जानकारी या तो लॉरेंस गैंग तक पहुंचती है या फिर कई मोबाइल ऐप के जरिए उन लोगों तक पहुंचा जाता है। इसकी जिम्मेदारी गैंग के किसी आदमी के पास नहीं होती, बल्कि एक ऐसे इंसान को दी जाती है जिसको लॉरेंस गैंग में शामिल करवाने का भरोसा दिया जाता है और उसको पहला काम सौंपा जाता है कि तुम 5 से 10 शूटर्स की एंट्री करवाओ। उसको कोई क्राइम करने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि उसको पैसे दिए जाते हैं। वो अपने गांव से ही लड़कों को तैयार करता है। बाबा सिद्दीकी और मूसे वाला केस में ठीक इसी पैटर्न पे काम हुआ था। बहराइच के गंडारा गांव का रहने वाला हरीश कश्यप सबसे पहले महाराष्ट्र के पुणे जाता है, उसके बाद वहां पे लॉरेंस गैंग की मदद से एक कबाड़ की दुकान खोलता है। वहां पे बैठक होती है और वहीं से कई शूटर्स की एंट्री होती है। हरीश कश्यप 4 साल पहले मुंबई जाता है, उसके बाद वहाँ गाँव के कई लड़के जाते हैं जिसमें शिवा और धर्मराज कश्यप ने हथियार थाम लिए और खुद साजिशकर्ता की भूमिका हरीश निभाता रहा है। जबकि शूटर्स हायर करने का एक और तरीका है, लॉरेंस गैंग ऐसे नए लड़कों पे नजर रखता है जो कभी न कभी किसी अपराध में शामिल होता है। बहराइच के गंडारा में रहने वाले धर्मराज और शिवा की एक अजीब कहानी है। धर्मराज कश्यप का बड़ा भाई अनुराग कश्यप है, मुहर्रम में मुसलमानों के साथ कुछ कहा सुनी हुई तो उसे पुलिस ने जेल में डाल दिया। 18 दिनों की जेल काट कर आए ये लड़के बदले का भाव पालने लगे और उसी दौरान हरीश कश्यप से इनकी मुलाकात करवाई जाती है। उसी मुलाकात में ये तय होता है कि लॉरेंस गैंग से कैसे जुड़ना है, गैंग में शामिल होने के पीछे की वजह पूछी जाती है, हिम्मती है या डरपोक, इसका बकायदा टेस्ट लिया जाता है, शूटर्स की विचारधारा राष्ट्रवादी है या नहीं इसका भी पता लगाया जाता है। रिपोर्ट्स दावा करती है कि गैंग में शामिल करते वक्त लॉरेंस से बात करवाने और मिलवाने का वादा किया जाता है, लॉरेंस का वीडियो देखने और लॉरेंस के बारे में पढ़ने के लिए कहा जाता है। ऐसे लड़कों पे नजर होती है जो कानून और सजा से न डरते हो। ठीक ऐसा ही हुआ, गैंग में शामिल शूटर्स को पैसा चाहिए या लॉरेंस का साथ। हमने पता किया तो पता चला कि जो भी शूटर्स हैं उनका परिवार बेहद गरीब है, लेकिन उन्हें पैसे से ज्यादा रुतबा और ताकत चाहिए। यानी ऐसे परिवार के लड़कों को हायर किया जाता है जिनको समाज में दबाया जाता है। उन्हें जब गैंग में शामिल किया जाता है तो कहा जाता है कि लॉरेंस आपकी मदद करेगा, आपका बदला मतलब लॉरेंस गैंग का बदला, और यहीं से सिलसिला आगे बढ़ता है। लॉरेंस गैंग जो हथियार देता है वो काम पूरा करने के बाद फेंकना नहीं होता, उसे लेकर लौटाना होता है। महंगे हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान के जरिए हो रही है, जबकि तुर्की से लेके अफगानिस्तान तक से लॉरेंस ग्रुप तक पहुंचाया जाता है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क जेल से ही चलता है, उसके पीछे है गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा। ये दोनों शूटर से बात करते हैं, जरूरत पड़ी तो उन्हें वीडियो कॉल करके मिशन भी समझाते हैं। NIA ने जब लॉरेंस से पूछताछ की तो पता चला था कि लॉरेंस का मैसेज एक जेल से दूसरे जेल तक ट्रांसफर किया जाता है। यानी जैसे वो गुजरात के अहमदाबाद में बंद है तो उसका मैसेज UP की जेल तक आसानी से पहुंच जाता है। इस काम में कई पुलिस विभाग के लोग ही शामिल हैं
और उस ताकत को अब तक पुलिस तोड़ नहीं पाई है। इसीलिए शूटर्स की हायरिंग से लेकर काम को अंजाम देने का तरीका बेहद अलग है और इसकी भनक पुलिस को नहीं लग पा रही है।